हजारों वर्षों से हिमालय की गोद में नदियों के मुहानों, पहाड़ों की तलहटियों और जंगलों के मध्य बहुत सी इंसानी सभ्यताओं का विकास हुआ और समय के साथ विलुप्त भी हो गईं। प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश उपनिवेश के दौर तक प्राकृतिक सौंदर्य और अनगिनत खनिज भंडारों को अपने गर्भ में समेटे इन घाटियों के मोह और लालच को कोई छोड़ नहीं पाया। ब्रिटिश हमेशा इन घाटियों की खोज और पर्वतारोहण को लेकर उत्सुक रहे। इसी दौरान उनका सामना न सिर्फ वन रक्षकों से बल्कि रूहानी ताकतों से भी होने की कहानियां घाटियों में आज भी प्रचलित हैं। यह कहानी है सन 1913 की। अंग्रेज हिंदुस्तान पर अपना झंडा फहरा चुके थे, सैकड़ों रियासतें उनके गुलाम थीं। उत्तर प्रदेश का पर्वतीय भाग और वर्तमान का उत्तराखंड दो भागों में विभाजित था, गढ़वाल और कुमाऊं। गढ़वाल का महाराजा अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली था और कुमाऊं पर पूरा वर्चस्व अंग्रेजी कमिश्नरी का था। यहीं से शुरू हुई हिमालय के उपभोग और बंदरबाट की कारगुजारियां। कधे के बच्चे, तुम सुबह से एक पेड़ के पीछे पड़े हो। काम चोरी करना बंद करो। एक एक हरकत पे नजर है मेरी। जल्दी जल्दी करो। मेरे यहाँ आने से पहले तुम लोगों ने ये सारे पेड़ काट कर गड्ढे में जमा नहीं किए तो मैं तुम लोगों की खाल खींच लूंगा। ए, घोड़ों की सफाई करने के लिए कहा था ना, काम चोर साले। सर, मेरे पास एक खुफिया सूचना है। अच्छा? जी सर। बैठ जाओ एलेक्स। शुक्रिया सर। हाँ तो बताओ एलेक्स, क्या खबर है? सर, मैंने सुना है जंगल में एक प्राचीन सोने का खजाना है। तुम हर बार ये बेफिजूल खबरें कहां से लेकर आते हो? कहां से? मेरे पास पहले से ही इतना काम है और ऊपर से तुम हमेशा ऐसी फालतू बकवास लेकर आ जाते हो। मगर ये सच है। वो लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। उनके पास एक प्राचीन सोने की मुद्रा है जो उसी खजाने से लाई गई है। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुम्हें उन गवारों पर भरोसा करना है तो करो, मैं नहीं करने वाला। तुम जा सकते हो। सर,
साले। सर आपकी चाय ठंडी हो रही है, आप इनके मुंह मत लगिए, मैं देखता हूँ इन कामचोरों को। जाओ यहाँ से। सॉरी सर। नमस्कार। राम राम। नमस्कार। राम राम। नमस्कार। सुनना छा द्वि द्वि दिन बिना सेया गांव का भोला भाला नौनन काम करीबल और बल जो काम निकल लो सरकारी हुकुम च सजा वेली। गोरखा राज अब यो ब्रिटिश राज, यह तो बड़ी गोरखा राज है बड़ी सी। गोरखों से ज्यादा अत्याचारी थी अंग्रेज। एक बात बोलूं मुखिया जी, हमारे शरीर में खून नीचे क्या मुना सामना कर सकूं। तो जवानी जोश में कोई उल्टे काम न करे हो। वंदे भी जंगल सी हो बड़े भी हूं जदिन घुस है जल ना सारे अंग्रेजों सत्यानाश पे जलो। मुखिया जी ठीक बनो। प्रधान जी पर तरकीब तो निकलनी पड़ ली ना।
लो। क्या भाई? बस कुछ मैं नुहाए कि फिर बता लो। ठीक है, सुनना चा प्रधान जी का घर बटे तुम थे बुलायो जे किलाए हो लो कोई जरूरी काम। जय बद्री विशाल। समनिया मुखिया जी। आवा आवा पटवारी जी। काकी राम राम। और सुनाओ प्रधान जी। यो देखा क्या चाहिए? ल्या तमो कखमिल तुम यू भाना शिकारी की लाश पड़ी चाह गधे रामो कि वे का खीसा माई मिली यू। अब समझी मी ये कहीं अभिशाप लो क्यों चे? क्या भला अपना मुंड मले गेली तुम गलमा? जब बटी यू मनु सिक्का मिली एक घड़ी भी चैन से नहीं बैठा तुम। मी ते पता चु बहुत चालू आदमी चु। को? अरे वो ये वो पटवारी निर्भागी तभी तो ये भला आपका मुंड धर दी। तो कहती यू सिक्के पौड़ी चु तो कहे बच्च हम अपैन जंगल और सारी जमीन अंग्रेजों पर बात कर दिन हम अपो ओन वेल पीढ़ियों क्या जवाब थियो फंडो भूखा तब तारे
सोने की मुद्रा के बारे में क्या जानते हो? क्या बोलो नहीं यूस? बोना चन, इस सिक्का का पिछने क्या कहानी छे? को सिक्का? मैं उसी मुद्रा की बात कर रहा हूँ जो खजाने से मिली है। हम ते पता छे कि यू सिक्का खजाना बटे लायू छे। ना ना, यख मु कोई खजान नहीं छे। सुनो कालूराम, वक्त बर्बाद मत करो, हमें सब पता चल चुका है। खुद बताओ तो अच्छा है, नहीं तो मैं इस पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगा। और अगर तुमन नहीं मानी हमारी बात तो हम तुम्हारा पूरा गांव ते बर्बाद कर दियोला। ना ना, ये गांव बर्बाद नहीं हो दियोल। ये मुद्रा अभिशप्त छा। River, here, forest, big forest. There, you find gold, gold, very much gold.
और आइए। कैसी हो जाने मन? मैं भी अच्छा हूँ। नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने जंगल कटवाने की ड्यूटी लगवाई हुई है और मैं उसी में लगा हुआ हूँ। मैं फंसा हुआ हूँ और तुम हंस रही हो। तुम्हें अपने बहादुर पति पर हंसना नहीं चाहिए जाने मन। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ओ हाँ, आइए आइए। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ डार्लिंग। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। बाय। अरे आप बैठिए। शुक्रिया सर। आप अभी तक ये गाना भूले नहीं हैं सर। लगता है आप लंदन जाने का फैसला कर चुके हैं। अच्छा है सर, अपने रिटायरमेंट का लुत्फ उठाना चाहिए। लगता है तुम इसी दिन का इंतजार कर रहे हो। सर, आपके लिए मेरे पास एक खबर है। ये पक्का कोई मनुष्य खबर होगी। जी हाँ, हमारे कुछ सैनिक मारे गए। क्या बकवास कर रहे हो? जी सर, आपको उस पागल मेजर से पूछना चाहिए। उस गधे को कोई काम सही से नहीं आता। आखिर हुआ क्या है? सर, मुझे अपने सूत्रों से बस यही पता चला है। आपको उससे पूछना चाहिए। मेरी एक ही चिंता है कि बहुत सारे मृतक सैनिक इंडियंस थे। मुझे विद्रोह की आशंका है सर। तुम ऐसा चाहते हो? नहीं सर, मैं तो आपकी लंदन की यात्रा की फिक्र कर रहा हूं। अगर स्थगित हो गई तो? तुम मेरी चिंता मत करो। ठीक है सर, मेरा काम था आपको इत्तला करना, बाकी आपकी मर्जी है सर। सर। दिख्याली, क्या हालत होएगी हमारी गांव को? हमारा लोग मरना चन, हमारा वन जलना चन। बताओ अब हम क्या करा? करना क्या चे? यु गांव वालों मालूम नहीं चे? अरे बंदे भी नाराज होएगे। दानू हमार आन छोड़ी भागे। कुछ करा। हमारी धरती हमरो पानी। 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 मैं अंदर आ सकता हूं सर? आ जाओ। वाहियात आदमी, तुम मेरी आज्ञा के बगैर ये काम कैसे कर सकते हो? सॉरी सर, मुझे लगा ये आपकी और आपकी पोजीशन के लिए अच्छा काम था। बेवकूफ आदमी, मेरी पोजीशन के लिए क्या सही है क्या गलत तुम मुझे सिखाओगे? सर, जंगल में एक बेशकीमती खजाना है जो प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ये शायद गत्यूरी या चोल वंश से जुड़ा हुआ है। तुम इस मुद्रा की चमक से मुझे बेवकूफ बनाना चाह रहे हो? सर, जंगल में वाकई में खजाना है। सुनो, मैं तुम्हें एक भी मौका देना नहीं चाहता हूं, पर फिर भी अगर अपनी नौकरी बचाना चाहते हो तो खोजी दल की एक टुकड़ी को इकट्ठा करो, खासकर कैप्टन थॉमस को और उस नए लेफ्टिनेंट को। क्या नाम है उसका? उसका नाम जॉन है सर, लेफ्टिनेंट जॉन। वो लंदन में कंपनी के खोजी अभियान का हिस्सा रहा है। ध्यान से सुनो, तुम्हें इस खोजबीन के बारे में उनको बताना होगा कि ये मुद्रा उसी खजाने की है
उनको यकीन दिलाना तुम्हारा काम है। तुम अपना पिछवाड़ा बेस कैंप में टिका कर बैठो। ठीक है सर। जाओ जाओ अभी यहां से। हैं? जी सर। सर यहां खोज के लिए कुछ बाकी नहीं है। हम हिमालय की घाटियों को बंजर बना रहे हैं। हाँ कैप्टन, आपकी बात बिल्कुल सही है। इस गरीबों के देश में खोज के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। हम अपना कीमती वक्त और रिसोर्सेज जाया कर रहे हैं। नहीं लेफ्टिनेंट, ये तुम्हारी नासमझी है। शायद तुम भूल रहे हो, कंपनी ने यहां से बेशुमार दौलत इकट्ठी की है, और ये जो तुम्हारी खोज अभियान है ना, ये उसी मेहनत की कमाई से हो रहे हैं ऑफिसर, समझे? मैं आपसे सहमत हूं, पर अब खोजबीन के लिए यहां कुछ भी नहीं बचा है। और इस खोज के नाम पर ये जो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है ना सर, इससे हिमालय की पूरी भौगोलिक परिस्थिति बिगड़ जाएगी, और अगर लोगों ने विद्रोह कर दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। गोरखा और गढ़वाली बहुत बहादुर लोग हैं, हमें हर हालत में इनका साथ चाहिए। अच्छा है अंकल राम। लेफ्टिनेंट, क्या तुम्हें रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के सिद्धांत याद हैं? क्या तुम अपना फर्ज भूल तो नहीं रहे हो? नहीं कैप्टन, मुझे अच्छे से याद है रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी का उद्देश्य। सोसाइटी का उद्देश्य भूगर्भ पेशी के धरोहर और अतीत की जानकारियां जुटाना है। क्या बात है ऑफिसर, क्या बात है। शुक्र है तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में पता है। भूगर्भ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आज तक नहीं खोजी गई हैं। बैठ जाइए ऑफिसर्स। कैप्टन थॉमस सही कह रहे हैं, धरती की सतह पर काफी खोज की जरूरत है। भारत एक रहस्यमयी जगह है, यहां राजा और महाराजा के खजाने छुपे हुए हैं। मगर क्या इसका कोई साक्ष्य मौजूद है? क्या कहीं से कोई सूचना मिली है? सैनिकों को सूचना मिली है लेफ्टिनेंट। डॉक्टर एलिजाबेथ को बुला कर लाओ। सर। जरा ध्यान से लेफ्टिनेंट, ये स्वर्ण मुद्रा है। क्या यह सच में स्वर्ण मुद्रा है? अच्छा, तो अब तुम्हारा क्या मानना है? मैं तैयार हूं कैप्टन। मैम साहब, तुम्हें तो मेजर साहब बुलाएं। अच्छा, मैं आती हूँ। ठीक है। हमारा खोजी दल 8 सदस्यों का रहेगा। कैप्टन थॉमस, तुम इसके मुखिया होगे। लेफ्टिनेंट जॉन, लेफ्टिनेंट वॉटसन और डॉक्टर एलिजाबेथ इस अभियान में तुम्हारे साथ रहेंगे। शुक्रिया मेजर। मेजर, ये मेरा सौभाग्य है। आगे के सभी फैसले आप स्वयं लेंगे कैप्टन। मेजर, डॉक्टर एलिजाबेथ को इन खतरनाक घाटियों में भेजने का फैसला मुझे तो सही नहीं लगता। क्या आपको लगता है इसमें आपने सही निर्णय लिया है? डॉक्टर एलिजाबेथ इस काम में दक्ष हैं। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ सर, आपने कहा तो ठीक ही होगा। मेजर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए डॉक्टर एलिजाबेथ। डॉक्टर एलिजाबेथ, मुझे लगता है कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, अब तुम्हारे अभियान पे जाने का वक्त आ गया है। कैप्टन थॉमस उसके मुखिया होंगे और ये लोग भी तुम्हारे साथ रहेंगे। शुक्रिया मेजर। शुक्रिया कैप्टन, ये मेरे लिए गर्व की बात है। ठीक है, तुम सभी लोग सुबह की पहली किरण के साथ तैयार रहना, अभी काफी वक्त हो गया है, हम सभी को आराम करना चाहिए। जी सर। शुक्रिया सर।
क्या तुम्हें एलेक्स के बारे में कुछ पता चला? कहाँ है वो? एलेक्स को जंगल भेजा गया है किसी काम से। मेजर ने उसको जिम्मेदारी दी है। मुझे ये मुद्रा एक पहाड़ी किसान ने कर के रूप में दी है। वो ये मुझे देना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने उससे छीन ली। फिर उसने बहाना बनाया कि ये शापित है। तुम इन गवारों से तो वाकिफ ही हो। सर, आप जानते हैं, इस तरह के मूर्ख लोगों को ऐसी बातों से बहुत जल्दी बहकाया जा सकता है। उसने बताया ये मुद्रा कहां मिली? नहीं बताया। सर, आप तो जानते हैं, मुझे यहाँ ड्यूटी करते हुए बहुत लंबा वक्त हो गया है। मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूँ। ये लोग प्यार की नहीं, मार की भाषा समझते हैं। इनकी हालत भेड़ों की तरह है। जहां भी ढकेल दिए जाएं, वहीं चल पड़ते हैं। इनको ढकेलने के लिए एक अच्छे काउबॉय की जरूरत होती है। आप बुरा ना माने तो क्या ये मुद्रा अपने पास रख सकता हूँ? हाँ कैप्टन, तुम रख लो। शुक्रिया मेजर। तुम जानते हो मैं ऐसी अफवाहों में विश्वास नहीं करता हूं। शुक्रिया। गुड नाइट मेजर। गुड नाइट। संभालो कैप्टन को, और कोई जाकर जल्दी से डॉक्टर एलिजाबेथ को बुलाओ। उठाओ ने, आराम से संभाल के। जैसे ही होश आए मुझे बताना। सर एलिजाबेथ, अब कैप्टन की तबीयत कैसी है? लगता है उन पे किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। वो अभी ठीक है, मगर किसी जंगली जानवर का कोई सबूत नहीं है। मुझे लगता है कोई सामान्य घटना है। अगर जंगली जानवर का हमला नहीं है तो फिर कैसे हुआ? चलते वक्त शायद उनका पैर फिसल गया होगा या किसी पत्थर से टकरा गए होंगे। मुझे पता नहीं है क्या हुआ है, लेकिन 3-4 दिन में वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आप फिक्र ना करें, कैप्टन थॉमस एक बहादुर सिपाही है। मैं उनका ख्याल रखूंगी। गुड नाइट सर। एलिजाबेथ, तुम्हें इंडियन सिपाही से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तुम यहाँ डॉक्टर हो, बावर्ची नहीं। तुम अभी आराम करो और खोज की तैयारी करो। गुड नाइट सर। गुड नाइट एलिजाबेथ।
लेफ्टिनेंट, क्या तुमने मेजर के चेहरे को ध्यान से देखा? उसका चेहरा पीला हो रहा था और चेहरे पे निशान भी थे। वे जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हमें इस भयानक और घने जंगल को पार करना होगा। क्या आप पहले हिमालय के इस हिस्से में कभी खोज के लिए गए हैं? हाँ, मैं दो बार गया हूँ कैप्टन थॉमस के साथ। कुमाऊँ और गढ़वाल के लोग ब्रिटिश रूल से खुश नहीं है। वो बहुत खूंखार हैं, हम पे हमला कर सकते हैं या मार भी सकते हैं। तुम मेरी बात से डर तो नहीं गए ना? क्या सोच रहे हो लेफ्टिनेंट? तुम्हें वास्तव में लगता है कि डॉक्टर एलिजाबेथ इस मिशन के लिए काबिल नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सब कुछ ठीक तो है ना सर? लेफ्टिनेंट, मैं कैप्टन थॉमस के बारे में ही सोच रहा हूँ। उन्हें इस तरह की खोज में महारत हासिल है। तुम क्या कहते हो? मैं आपकी बात से सहमत हूँ मेजर। वो बहुत अनुभवी पर्वतारोही और खोजी हैं। पर मुझे नहीं लगता इस हालत में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये मिशन हमारे लिए कितना जरूरी है। हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें इस मिशन का मुखिया नियुक्त करता हूं। तुम इस मिशन में कैप्टन थॉमस की जगह लोगे। शुक्रिया मेजर, आप चिंता ना करें, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। ठीक है, अलविदा लेफ्टिनेंट। गुड नाइट मेजर। लेफ्टिनेंट, अगर तुम इस मिशन को सफलतापूर्वक खत्म करोगे तो मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा। अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। शुक्रिया मेजर।
गुड मॉर्निंग कैप्टन। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। शुक्रिया मेरा ख्याल रखने के लिए डॉक्टर एलिजाबेथ। ये मेरा काम है कैप्टन। आप कुछ दिनों में स्वस्थ हो जाएंगे। आप अपना ख्याल रखना डॉक्टर टॉम के आ जाने तक। आप भी अपना ख्याल रखना डॉक्टर एलिजाबेथ। आपकी यात्रा शुभ हो। बहुत शुक्रिया कैप्टन। अब आपकी सेहत कैसी है कैप्टन? जॉन, तुम तो बहुत खुश होंगे लेफ्टिनेंट। जानते हो तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इस खोज का मुखिया होना तुम्हारे लिए ये एक शानदार मौका है जॉन। क्यों कैप्टन थॉमस, मैं पिछले सारे मिशन में आपके साथ रहा हूं और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैं इस मिशन पर आपके बिना नहीं जाना चाहता। नहीं, इतना ज्यादा नहीं सोचते लेफ्टिनेंट। इस समय इस मिशन की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे है। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि इस मिशन की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये तुम्हारे लिए एक शानदार अवसर है जॉन। और याद रखना, भूगर्भ की खोज करना अभी बहुत बाकी है लेफ्टिनेंट जॉन। और मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं। शुक्रिया कैप्टन। मेजर, मैं और मेरे सैनिक खोज के लिए तैयार हैं। लेफ्टिनेंट, तुम जिस घाटी की खोज के लिए जा रहे हो वो काली नदी के पास है। उम्मीद है तुम्हें वहां मानवीय सभ्यताओं के अवशेष मिलेंगे। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे मेजर। Thank you.
लेफ्टिनेंट, ये जगह इसकी सुंदरता की तारीफ करने के लिए विवश कर रही है, मगर इन दिनों तो जॉन तुम दूसरी खूबसूरती में खोए हुए हो। एक बार तुमने मुझे बताया था यहाँ के खूबसूरत इतिहास के बारे में। गढ़वाल का इतिहास उतना ही रोचक है जितनी खूबसूरत यहाँ की वादियाँ हैं। सर, कंपनी ने गोरखाओं को कैसे हराया? ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। कंपनी ने कभी गोरखाओं को नहीं हराया और ना ही उन्हें कोई हरा सकता है। वो मौत से नहीं डरते, मौत उनसे डरती है। कंपनी और गोरखा युद्ध में जब दोनों ही एक दूसरे से नहीं जीत पाए तो मजबूरन उन्हें संधि करनी पड़ी और गोरखा काली नदी के उस पार चले गए और कंपनी इस पार रह गई। गुड मॉर्निंग मेजर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जरूर आओ, बैठो। मेजर, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। ये मेरा कर्तव्य है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। क्या आपने वो मुद्रा देखी, सोने की मुद्रा? मैंने नहीं देखी है जब से मैंने वो तुम्हें दी थी। वो मुद्रा आपको कहाँ मिली थी, मुझे उसके बारे में जानना है। वहां जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वो मैंने एक किसान से ली थी जो काली नदी के पास एक खेत में काम कर रहा था। वो मुझे देना नहीं चाहता था, मैंने छीन ली थी। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? वो मुद्रा जब मैं हाथ में लेकर बाहर निकला, मुझे बहुत ही भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। मेरा सर चकराने लगा और मैं बेहोश हो गया। वो आवाजें मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, वो बहुत ही डरावनी थी। मुझे उस मुद्रा के रहस्य का पता लगाना है, जरूर ही इसके पीछे कोई गहरा षड्यंत्र है। मुझे लगता है ये किसी जंगली जानवर का हमला था। कैंप में किसी ने कुछ भी नहीं देखा। इन बेतुकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं उस जगह जाना चाहता हूँ, ये मेरे लिए खोज का विषय है। ठीक है, लेकिन अकेले मत जाना। उस जंगल का रास्ता सुरक्षित नहीं है, तुम कुछ सैनिकों को साथ लेकर जाना। शुक्रिया मेजर। क्या तुमने सैनिकों के बारे में पता किया? कुछ सैनिक अभी तक कैंप में नहीं पहुंचे हैं, मुझे दिक्कत लग रही है। हमें चलकर देखना चाहिए। चलो।
सर। बैठो लेफ्टिनेंट। शुक्रिया सर। उस खोज की बात कहां तक पहुंची जिसका मुखिया जॉन को बनाया गया था? मैं वहां था सर, लेकिन मुझे वाकई नहीं पता कि वहां क्या हुआ। तुम क्या बकवास कर रही हो? यह तुम्हारा काम है, तुम्हें पता होना चाहिए। सर, मुझे पटवारी से सूचना मिली थी कि जंगल में एक शापित खजाना है। मैंने वो सूचना मेजर को दी थी और जंगल में उनके साथ एक रहस्यमय हमला हुआ। हमारे काफी सैनिक मारे गए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक तो तुम इस मनहूस जंगल में नौकरी करते हुए उम्र जाया कर दो, और दूसरा तुम इंग्लैंड जाकर सुकून से खूब सारी मुद्राओं के साथ अपने परिवार के साथ रहो। तुम क्या चाहते हो लेफ्टिनेंट? मैं इस मनहूस जंगल में नहीं रहना चाहता सर। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम जॉन और उसके सैनिकों पर नजर रखो। वो कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी जानकारी चाहिए। हाँ जी सर। अच्छा, अब चलता हूँ। तुम्हें जैसा कहा गया है वैसे ही करना। शुक्रिया सर। सैनिकों और घोड़ों का ख्याल रखो, हमें इस जगह से जल्दी निकलना होगा। यहाँ किसी भी पल जंगली जानवरों का हमला हो सकता है और बहुत सारे आदिवासियों के कबीले हमारे आस पास है। उन्हें हमारे आने की सूचना लग चुकी होगी। लेफ्टिनेंट, तुम याद है मेजर ने हमें मुद्रा के बारे में बताया था? हाँ याद है। मुझे वो मुद्रा हीरा सिंह की जेब से मिला है। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ सर, मेजर ने हमसे झूठ बोला है। सच में? सैनिकों का कहना है कि ये मुद्रा शापित है। इस मुद्रा के मिलते ही मेजर और उसकी टीम पर रहस्यमय हादसा हो चुका है। शापित मुद्रा? वॉटसन, तुम एक खोजी हो और तुम इन बातों पर यकीन करते हो? अभी तक हमारे बहुत से सैनिक मर चुके हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, सैनिक भी बहुत डरे हुए हैं। क्या तुमने रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी की लाइब्रेरी में इस तरह के मनगढ़ंत किस्सों के बारे में कभी नहीं पढ़ा? ठीक है, नदी में फेंक दो से। जी। तुम जानते हो कैप्टन थॉमस, इस हालत में पता नहीं वो इन जंगलों में क्या कर रहे हैं। वो हमारे इस खोज पे आने से खुश नहीं थे। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? वो बहुत जिद्दी इंसान है, पता नहीं क्या हासिल करना चाहता है। हमें बहुत जल्दी और सावधानी पूर्वक यहाँ से निकलना होगा। सर, मुझे भी ये जंगल शापित लगता है। वॉटसन, मैं तुम्हारे मुंह से बोर बकवास सुनना नहीं चाहता। लेटे रहो, लेटे रहो। हीरा सिंह, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कुछ याद है कि हुआ क्या था? सब मुझे कुछ याद नहीं। फिक्र मत करो, ये किसी जंगली जानवर का हमला है। तुम्हें ये मुद्रा कहां से मिली? साहब, ये सिक्का मुझे बेस ग्राउंड में मिला। तुम आराम करो। ये बहुत डर गया है उस घटना के बाद। वॉटसन, क्या तुमने एलिजाबेथ को देखा? हाँ, मैंने उसे दिन में कब्र पे जाते हुए देखा था। वो बहुत प्राचीन कब्र है, उसका निर्माण कंपनी के ही एक अफसर ने करवाया था। जरूर वो बहुत गुस्सा होगी उस मीटिंग के बाद। तुमने उसके बारे में गलत कहा,
वो बहुत बहादुर है और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। सर, किसी ने एलिजाबेथ पर हमला किया है। हमने उसके चिल्लाने की आवाज सुनी और वो अपने तंबू में भी नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या किसी ने कुछ देखा? वॉटसन, तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। जी सर। एलिजा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एलिजा, एलिजा तुम्हें कुछ नहीं होगा। हिम्मत रखो एलिजा, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा एलिजा। जी साहब। बैठ को घर का कक्षा कुछ घर छोड़ के अंत में एक डाल छ तो ये बैठ जी घर छ। हम बस पहुंचने वाले हैं एलिजा, तुम बस हिम्मत बनाए रखो। लो सर, बेटे लियो, आराम लियो, लियो यहाँ लेटे दियो, हो आराम आराम आराम। तेरा पानी तो गर्म कर ला। भो यो जंगल बाट चोले रोगी मेरे पास हुनी उनर मली एक के चारी हमला हुनो उ आदिम या जानवर जैस नहा। तो फिर क्या लगता है तुम्हें किसने किया होगा? यो कोई और है बहाछू साहब, ऐस लागू यो जंगल में भूतो राज है गो। मतलब कई वर्षों में जंगल बाट रात अदराज जोले जा यो नरमली हमला कर दियो। जंगल में रूं ठीक नहा, जब वे जंगल कटाई है रहे लोग बाग कुनी ई जंगल में वन देवी श्राप लागो, पिचास लागो, सार जंगल श्रापित है गो। तीन चार दिन यही रूंड पड़ोल, खून बहुत बहगो, कमजोरी हुई गई। सारा टेंट में आग लागी और सारा सामान फूकी। यू खबर तुम उतर बचौड़ी वर्षन साबेल भेजूच। कैसे हुआ ये सब? पता नहीं साहब, कन के हुए क्या हुए? ख्याल रखो एलिजाबेथ का। Whoa, whoa, whoa.
ये क्या हो रहा है? कैसे लगी है आग? सर, कहाँ मर गए थे तुम सबके सब? सर, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जरूर शापित मुद्रा की वजह से हो रहा है। निकलो, जल्दी निकलो। अब हम क्या करें सर? तुम सिपाही हो, तंबू उठाओ। शक्ल क्या देख रहे हो? घोड़ों को लेके जाओ यहाँ से। क्या तुम में से किसी ने कुछ देखा? भागो, भागो यहाँ से। कहाँ मर गए थे तुम सारे? जल्दी। सर मेरी बात मानिए, ये मुद्रा की वजह से ही हो रहा है। तुम बकवास बंद करो वॉटसन। साहब, दिस साइड धर्मशाला, ब्यूटीफुल प्लेस। क्या तुम ठीक हो एलिजाबेथ? क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो जॉन, मुझे तुम्हारी सलाह मान लेनी चाहिए थी। अचानक से एक काली परछाई आई और सब अंधेरा हो गया। मैंने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करी, मेरा दम घुट रहा था। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं तुम सब लोगों पर बोझ बन गई हूं। मुझे इस मिशन पर आना ही नहीं चाहिए था, मैं इस लायक ही नहीं हूं। नहीं, तुम बहुत बहादुर सोल्जर हो एलिजा, हम सबसे भी कहीं ज्यादा। तुम किसी भी हमले को सह सकती हो, चाहे वो भूत का भी हमला क्यों ना हो। फॉर योर स्टे। पटवारी जी, मेन बिस्तर का इंतजाम कर ली। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, ले आओ। सैनिकों, थोड़ा आराम कर लो, मदद के लिए शुक्रिया। परेशानी तो नहीं हुए? विलेज हेड आस्किंग एनी प्रॉब्लम, टेल अस। ठीक है, ठीक छे फिर। हाँ ठीक छे, आई गो अरेंज फूड फॉर यू ऑल। शुक्रिया, शुक्रिया आपका। Thank you.
सुनना छा सर या गांव का लोग छुई करना छ तरह तरह की बोलना छ कि उस सारू काम तुम्हार करे छ क्या गलत है क्या करना छ मैं तो सरकारी नौकरी करने छ जो हुकम छ बस वही अरे ज्यादा ज्यादा क्या होलू नौकरी छोड़ दे ओलू अरे माचो अंग्रेज नौकरी छोड़ दे ला तब ना खानू खान दा ना इधर उतर की बात ना नकारा कर सब निकाणी हुए जान दी तबीयत खराब हैगी बचने चांस बहुत कम बड़ा हॉस्पिटल ले जान पड़ नैनीताल हिम्मत रखो तुम्हें कुछ नहीं होगा बाहर इंतजार करो बैठो डॉक्टर एलिजाबेथ की तबीयत कैसी है वो अभी ठीक है उसकी हालत में अभी सुधार है मुझे शक हो रहा है हीरा सिंह पर नजर रखो ठीक है
और सब ठीक छे? क्यों ठीक होना? बस कटना छंदे ना कि नहीं? अरे जब बटी निर्भागी अंग्रेज ने अख सारा बोण कटिक सत्यानाश करी आली निर्भागियों ने सारा गदेरा मसान बन गया। रोज कोई ना कोई लाश मिलनी छबक। चवो पहली बार तबियत बहुत ठीक छू, एक आध दिन रुक बे जान पड़ो। शुक्रिया। क्या सब कुछ ठीक है? हाँ। तुम मेरी फिक्र मत करो जॉन, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी और फिर मैं वापस बेस कैंप चली जाऊंगी। मेजर ने तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। ये कोच तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। हम इस खोज को खत्म करेंगे, वो भी साथ में। सैनिकों को तैयार करो। हाँ, वो गोरी मेम जो वो की तबीयत अब खूब ठीक छे जरा, पर वो तो
बहुत बड़ी वह अच्छा ना। अच्छा वो मोहन की घर वाली चा ना, उनकी तबीयत बहुत खराब है। वैद्य जी ने तो बोल याली छो जा ले जा, पर उन ठीक कह रही याली। अच्छा हाँ गोरी मैम खूब चो, वो बड़ा साफ छन ना, वे का साथ गोरी मैम के खूब छुई लग दे। मैं ते लग दू को चल नु छो को। सलाम सर। हेलो वॉटसन, तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? इस जंगल में अकेले घूमना सुरक्षित नहीं है। आपकी सेहत कैसी है कैप्टन? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ किसी काम के लिए आया हूँ, आपको बता नहीं सकता, माफ करना। मेरी बात ध्यान से सुनो, लेफ्टिनेंट जॉन हमें बेवकूफ बना रहा है, हमारे साथ धोखा कर रहा है और ये बहुत भयानक होने वाला है। तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ काम करो, इसके बदले मैं तुम्हें प्रमोशन और लंदन जाने का मौका दूंगा। आखिर कितने दिन तुम इन छोटे गांव और डरावने जंगल में अपनी जिंदगी गुजारोगे? तुम एक बहादुर अफसर हो, जॉन सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। हम दोनों मिलकर खजाने का पता लगा सकते हैं, और सोचो हमारे पास कितनी मुद्रा होंगी, हम जिंदगी ऐशो आराम से बिताएंगे। फैसला अब तुम्हारे हाथों में है लेफ्टिनेंट वॉटसन। मुझे माफ करना कैप्टन, लेफ्टिनेंट जॉन का कोई ऐसा इरादा नहीं है, वो सिर्फ इन जंगलों और पुरातत्व खोज को अंजाम देना चाहते हैं बस। और अगर यहाँ प्राचीन काल की सभ्यता थी तो वे उसके साक्ष्य जुटाकर दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। सिर्फ उस लालची लेफ्टिनेंट जॉन की बातों में आकर तुम मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हो, उसने तुम्हारे दिमाग को बहका कर रख दिया है। मैंने तय कर लिया कैप्टन, मैं उसके साथ हूँ। तुम रानी कैप्टन धोखेबाज, अपने मनसूबों में कामयाब नहीं हो पाओगे। धोखेबाज, मैं आपकी मंशा को अभी तक नहीं समझ पाया हूँ कैप्टन, लेकिन तुमने वाटसन को क्यों मारा? तुम्हें आसपास हो रही हरकतों के बारे में और जागरूक होना पड़ेगा एलेक्स, जंगल में चीजें हमारे वश में नहीं रही। लेफ्टिनेंट जॉन इस जंगल की हर हरकत से वाकिफ था और उसने वॉटसन को इसी निगरानी के लिए भेजा था। वॉटसन हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता था, उसको रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था, उसका जिंदा रहना हम सब के लिए खतरनाक था, इसलिए उसका इस दुनिया से जाना बहुत जरूरी था। मानता हूँ वॉटसन एक अच्छा आदमी था, मगर मेरी बात ना मानकर उस बेचारे ने अपनी जान गंवा दी, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। आप अब क्या करना चाह रहे हैं कैप्टन?
तुम्हारे लिए जंगल की खजाने की खोज के लिए सबसे जरूरी है यहाँ के लोगों से जानकारी जुटाना और जंगल में घुसने के लिए रास्ता खोजना होगा, जिसके लिए आदिवासी और नजदीक के गांव वालों को इस काम पर लगाना बहुत जरूरी है। तुम्हें उनको मनाना होगा, अगर वो प्यार से मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो मैंने वॉटसन के साथ किया। पर गांव वाले इस जंगल को पूछते हैं, वो इन्हें काटना नहीं चाहते, वो कहते हैं ये उनकी वन देवी का जंगल है। ये ढोंगी लोग हैं, इनकी बातों को सुनना फिजूल है, तुम सिर्फ वही करो जो मैंने कहा है। जी सर। से जा रानी बाबा की झुकुड़ी से जा रानी। गोरी मैम बहुत भली और अच्छी, तुम जो भी करना भलू काम नहीं। सुना 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 सभियों ते अंग्रेज अफसर ना बुलायो चा। सुना 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 मुझे गांव का हर आदमी यहां मौजूद चाहिए जंगल के सारे पेड़ काटने के लिए। यह हमारी रॉयल कंपनी का आदेश है, अगर किसी ने भी बात नहीं मानी तो उसे सजा दी जाएगी। नीचे उतर हरामजादे। सर, किस वाहियात ने तुम्हें यहां भेजा है? कैप्टन ने मुझे ये आदेश देकर भेजा है। ये मेरी जगह है, यहां खोज की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। भाड़ में जाए तू और तेरा कैप्टन। निकलो यहां से। जी सर। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद महाराज। साहब, वर्षन साहब भी अभी रात मेरा लापता छे। What?
हटो यहां से। मैंने पूछा कहां है वॉटसन? वॉटसन मेरे भाई, क्या तुम ठीक हो? जी सर, मैं ठीक हूँ। किसने किया ये सब तुम्हारे साथ? सर, कैप्टन बहुत लालची है, सबको मारना चाहता है। वे अपने लालच के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने मुझे लालच देने की कोशिश की, जब मैंने मना कर दिया तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। और गांव वालों ने मेरी जिंदगी बचाई, वही मुझे लेकर आए। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सैनिको, इनको बेस कैंप में लेकर जाओ। मुझे पता है कैप्टन को तुम लोगों ने मारा है, ये सब तुम्हारी चाल थी। और तुम पटवारी, सजा के लिए तैयार रहो। ये लोग बहुत चाहती रहे, खजाने के लालच में फंसकर कंपनी के साथ गोरिल्ला युद्ध कर रहे हैं। सजा के लिए तैयार रहो। प्रिय जॉन, तुम जानते हो नाजी सेनाएं हमारे दरवाजे पर दस्तक देने के लिए निकल पड़ी हैं। जल्दी से अपने सैन्य दस्ते के साथ शाही सेना के लंदन मुख्यालय पर उपस्थित हो। हे ईश्वर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इन मासूम और बहादुर लोगों का साथ दूं या एम्पायर का, जो इनसे इनका जल, जंगल और जमीन का सौदा करना चाहता है। सुनी तो मैंने क्या बोले अंग्रेज अफसर न, सब थे फांसी होली फांसी, और फांसी नि भी होली तो कम से कम सजा तो वैली वैली। अरे मितु बुनू, खेल खत्म करो इन अंग्रेजों का। चुप रहला। क्या करा लियो यार, भगौर तो पड़ोली नहीं या बे। कक भगला, कोना कोना मा अंग्रेज का सिपाही बैठे छन बंदूक लेकर, अब भागा। अब हम एक ही काम कर सकदा कि सब भी जायकन, सब भी गांव वाला अंग्रेज अफसर से माफी मांग लियोला। माफी हम किले मांगुल, जंगल हम बर्बाद करल, पेड़ हम बर्बाद करल, जमीन उनुल हमें खत्म के दिन, तो हम माफी मांगुल उनमु। उस शापित मुद्रा के श्राप के बारे में जानते हुए भी तुमने इतने लोगों को मरवा दिया, क्यों भेजा तुमने इतने सिपाहियों को वहाँ? तुम्हें तमीज है अपने उच्च अधिकारी से बात करने की? मुझे तमीज है भाड़ में जाए तू और तेरा रुतबा। मैं लंदन जा रहा हूं, मुझे शाही महल से फरमान आया है, वहां जाकर मैं बताऊंगा कि तुम अपने लालच के चक्कर में कितने सिपाहियों को मरवा चुके हो। लेफ्टिनेंट, तुम मेरे बच्चे जैसे हो। मुझे अफसोस है कि मैंने कुछ लोगों की बातों में आकर यह किया। मैं लालची नहीं हूं, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उस शापित जंगल में पेड़ों की कटाई करवाना बंद करो, पेड़ कटवाने पर सजा का प्रावधान करो, वन देवी की यही इच्छा है। तुम ठीक कहते हो,
तुम किसी से इस घटना का जिक्र मत करना। गुड नाइट। गुड नाइट लेफ्टिनेंट। सभी गांव वाला सुना गो के बोण बोण देवी के सापण शापित वेगे ने अंग्रेजी सरकार हुकुम छे कोई भी टाणा नहीं काट सकता कोई भी बोण नहीं जा सकता सुना 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 जो डालो काट लो उते सजा वेली सुना 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 सभी गांव वाला सुना गो के बोण बोण देवी के सापण शापित भेगे ने चारानी बाबा की झुकुड़ी से जा